दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे वन प्लस नोट टू के सक्सेसर वन प्लस नोट थ्री की। बहुत ही जल्दी ये स्मार्टफोन ग्लोबली और इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा वन प्लस की तरफ से। और इस वीडियो के अंदर हमने वन प्लस नोट थ्री के जो भी स्पेसिफिकेशन आपसे बताए हैं वो अभी रूमर्स हैं, इसके अंदर अभी कन्फर्म नहीं है। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी आपको सेम देखने को मिलेगी जैसा आपने देखी थी वन प्लस नोट टू के अंदर। फ्रंट और बैक दोनों के अंदर गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक फ्रेम के साथ आएगा। डिज़ाइन इसका सेम देखने को मिलेगा वन प्लस नोट टू की ही तरह। अब बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की, तो 6.43 इंच की फ्लड एमोलेड डिस्प्ले होगी। रिजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2400 पिक्सल का रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। 920:9 का एक्सपेक्ट रेस होगा। 409 पिक्सल पर इंच पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी और इस बार हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा 120Hz का। डिस्प्ले के मामले में वन प्लस नोट थ्री में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के मेन कैमरे की, तो ट्रिपल ईयर कैमरा देखने को मिलेगा। इस बार भी आपको 50MP का इसमें मेन कैमरा होगा, 12MP का अल्ट्रा वाइड और 5MP का इसका मैक्रो कैमरा होगा। फ़ोन के कैमरे से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। HDR10+ की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। पंच होल के साथ आपको 32MP का इसमें सेल्फी कैमरा मिल जाएगा और वहाँ पर भी आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। बैटरी बैकअप की बात करें तो 4500mAh की लाइट पॉलीमर बैटरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, आपको 65W इसमें रैप चार्जिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के मेन पार्ट यानी इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में पिछली बार नोट 2 के अंदर आपको MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट देखने को मिली थी, लेकिन इस बार न्यूज़ ये आ रही है कि आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की चिपसेट देखने को मिलेगी जो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस होगी। और यहाँ पर ग्राफिक्स की बात करें तो Mali G77 MC9 देखने को मिलेगी, तो गेमिंग आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। वेरिएंट की बात करें तो 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इसका बेस वेरिएंट आएगा। सिक्योरिटी के पर्पज से आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक देखने को मिलेगा। अदर सेंसर में अप्रोक्सीमेट सेंसर, एक्सोमीटर, कंपास, गायरोस्कोप सभी सेंसर मिल जाएंगे जो एक स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑडियो जैक में आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलने का, USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। फ़ोन के अंदर अदर कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2 वर्जन, AGFS, गुलनोज, USB Type-C पोर्ट चार्जिंग के लिए देखने को मिलेगा आपको इस स्मार्टफोन के अंदर। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इनबॉक्स आपको एंड्रॉयड वर्जन 11 ही देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो अंडर 30,000 प्राइस में ये स्मार्टफोन आ सकता है, लेकिन अभी अनऑफिशियल है। अब बात करेंगे इसके लॉन्चिंग डेट की, तो बहुत ही जल्दी ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा, अभी इसकी लॉन्चिंग डेट भी कन्फर्म नहीं है। आई होप फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड डिसलाइक कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद एक वीडियो बनती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।